जलंधर की गल करांगे। दस दिए कि कोरोना का कहर लगातार जारी और कोरोना के मामले घटन का नाम नहीं लै रहे, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 38 साल का उन शख्स दसा जा रहा जो कि पॉजिटिव है। एक होर शख्स यानी कि पॉजिटिव पाया गया, कोरोना के मरीजों की गिनती वधदी जा रही है, 60 तो पार हो चुकी है। हुण तक की गल की जाए जलंधर च कोरोना के नाल 2 मौतां हो चुकी ने। किस तरह के हालात ने सीधे चलते हैं जलंधर, विनोद सब्रवाल पत्रकार मौजूद ने। विनोद गल की जाए तो की कुछ स्थिति बनी हुई है, अज की गल करिए मरीजों की गिनती वधदी जा रही है, बेशक तादाद बहुत नहीं है पर फिर भी। बिल्कुल गुरजो, जे गल करिए जलंधर की तो जलंधर जे आंकड़े लगातार वधते जा रहे हैं, वह आंकड़े जे लगातार वधते जा रहे हैं। अज 63 जे मामले जलंधर के हो गए। तो जलंधर के हालातों की गल करिए सवेरे ही साड़ी टीम ने जलंधर की मकसूदा मंडी तक जरा चक्कर लगाया से देखा से किस तरह के हालात से, उत्थे लोग किस तरह जरा इकट्ठे हुए पे से। तो हूँ असं जे जलंधर के नकोदर चौंक के तुम देख सकते हो किस तरह लोगों की जी आवाजाही जी है, किसी के मन के डर नहीं है कि कोरोना वायरस के कारण लगातार प्रशासन जरा अपील करता आ रहा है भी अपने घर च रहो, सुरक्षित रहो, पर फिर भी जो लोग सड़कों बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। चाहे पुलिस प्रशासन वालों लगातार एक बड़ी कार्रवाई होती नजर आ रही है, 188 के जो मामले दर्ज किए जा रहे हैं, गड्डिया फोन की जा रही है, बिल्कुल आम ही जो लोग सड़कों नजर आ रहे हैं, कितने ना कितने प्रशासन के जो दावे से उन्होंने फोन फोन नजर आ रही है। प्रशासन को एक सख्ती करनी चाहिए, जिस तरह की कल भी एक पुलिस अधिकारी ने गल की थी तो उन्होंने कहना था कि जेडे पास जेडे इन्हें बढ़ दिए गए हैं, जे लोगों को असं रोकते हैं सड़कों तो आने तो वह पास दिखा देंगे, जे इक्का दुक्का लोगों के जे कार्रवाई की गल करते हैं तो उत्थे सिफारिश आनी शुरू हो जाती है। जिते बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं असं वेख पा रहे हैं, हालांकि हर रोज असं तस्वीर लगातार दर्शकों को विखाने और सीधी तस्वीर विखाने, पर हुण मैं जानकारी साफ तौर पर यही जानना चाहवांगी मामले जिहड़े वधदे जा रहे ने इत्थे सेहत विभाग हुण की कह रहा है, साडे कोल इन्ना सिस्टम हैगा इत्थे विभाग कोल कि सब नूं हैंडल किया जा सके, जिहड़े मरीज आ रहे ने उन्हां लई प्रॉपर बैड हैगे ने, इंतजाम हैगा, हर एक चीज़ इत्थे पूरी हैगी है, क्योंकि काफ़ी समय पहला अगर नज़र मारीए आपां तां तस्वीरां तुसीं विखाईआं सी कि उन्ने ज़्यादा पुख्ता प्रबंध नहीं हैगे, हुण दे प्रबंधां दी गल करिए तां किस तरह दे नाल ने। बिल्कुल अज सवेरे जो असी सहायक सेहत अफसर टी पी सिंह गल की थी तो उन्होंने का भी यही कहना था कि जोड़े आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं उसनों लैके जोड़ा सिविल होस्पिटल है उत्तर पुख्ता जोड़े प्रबंध किए गए हैं, पूरे सिविल होस्पिटल में आइसोलेशन जोड़ा जी उसे गल करिए कल जलंधर के जेडे डिप्टी कमिश्नर है वीरेंद्र कुमार शर्मा उन्होंने एक सोशल मीडिया से इंटरव्यू दी थी तो उन्होंने कहा कि जलंधर च इस करके मामले ज्यादा आ रहे हैं कि इतने जोड़े टेस्ट जोड़े है कोरोना वायरस को लैके वो ज्यादा होते हैं, पर भी सवाल खड़ा होता है जे जलंधर के ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं तो बाकी जिले च टेस्ट नहीं हो रहे, मतलब काफी सवाल इन्हों के उपर खड़े होते हैं, क्योंकि प्रशासन की जे गल करिए प्रशासन किसी ना किसी नाकाम नजर लग रहा है इस चैनल को तोड़न लिए, जिस कारण मामले जलंधर के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे नाल ही मैं दस दवा जलंधर के एक जगह नहीं, जलंधर पूरा ही जड़ा है हुण कोरोना वायरस के लपेट के आ रहा, जे गल करिए जलंधर के मेन चौंक ज्योति चौंक रैनक बाजार बसी गुजा बसी दानिशमंदा निजातम नगर सेंटर टाउन हर एक जगह तो जड़े है कोरोना वायरस के पेशेंट मिल रहे हैं। ठीक है ठीक है विनोद, फिर आज शुक्रिया बहुत बहुत जुड़न के लिए तमाम जानकारी के लिए। सुकुल मिला के जलंधर के करफ्यू दरेआम तजियां उड़ रही ने लगातार, तुहानू हालात विखा रहे हैं, लोगों की गल करिए सुन नहीं रहे समझ नहीं रहे। इस विचकार जलंधर की होर वड्डी खबर दस दी कि करफ्यू दी तजियां सरेआम उड़ रही ने, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। मकसूदा सब्जी मंडी की गल की जाए तो लोगों की भीड़ लगी हुई है, भीड़ अगे प्रशासन जिहड़ा है बेबस नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा, यानी कि लोगों को रोकण दे विच असमर्थ है। क्यों हालात अजिहे ने जलंधर के, सब तो वड्डा मसला यही बन चुका है, क्यों इत्थे सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं है, क्यों इस तरह के नाल सरेआम तजियां उड़ रही ने, हालांकि मामले वधे जा रहे हैं। अगर होर इक्का दुक्का थावां की गल करिए कई तो अजिहां खबर आउंदियां ने, पर सवाल यह है कि उत्थे बहुत मामले नहीं है तो प्रशासन जिहड़ा बहुत सख्त भी नहीं है। ठीक है लोगों नूं आन जान दे रहा पर पास लैके एक्सक्लूसिव तस्वीर विखा रहा तुहानूं जलंधर की सब्जी मंडी दियां, मकसूदा की सब्जी मंडी है जिथे कि किस तरह के हालात ते सोशल डिस्टेंसिंग नां दी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मंडी दे विच
अगर वाहनों की गल करिए उन्हां दी कमी नहीं है, लोगों की गल की जाए उन्हां दी कमी नहीं है, रेहड़ियाँ मौजूद ने काफ़ी ज़्यादा तादाद मौजूद है लोगों की, सोशल डिस्टेंस कोई नहीं है, पुलिस प्रशासन लग्या होया अपने वालों कार्रवाई करन, पर हालात खराब ने। तस्वीर विखा रहे हैं तुहानू किस तरह के नाल आम लोग जड़े ने वो आ जा रहे हैं, हालांकि मास्क भी बहुत दे चेहरे पर नज़र नहीं आता, यह भी सब तो वड्डी गल है। समस्यावां बहुत सारिया ने पर हालात वेखते हुए हल किस तरह के नाल होएगा यही वड्डा सवाल है। सो करफ्यू दिया शरेआम तरजियां उड़ रही ने, करफ्यू तो बाद तो हूँ हॉटस्पॉट भी इलाका ऐलान दिता गया, पर फिर भी इस दे वाल किसी ने गौर नहीं फरमाया। लोगों की भीड़ जी है वह पूरी तरह के नाल लगी हुई है, सब्जियां की सबनों जरूरत है, पर इस तरह के जेकर मंडिया के हालात होंगे तो किमें फिर सब कुछ कंट्रोल हो पाएगा कोरोना का, खास तौर पर कहर जिस तरह के नाल मामले बढ़ रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी बेहद जरूरी है, किसी भी कीमत पर असी सोशल डिस्टेंसिंग नेगलैक्ट नहीं कर सकते, सानू बेहद जरूरी हो चुके हैं, असी अपना सब का ध्यान रखिए। मौके की नजाकत को समझते हुए तो अज की सिचुएशन मुख रखते हुए ESS ग्लोबल तुहानू एडवाइस देंदा है कि अपने घर तो बाहर ना निकलो, अपनी हेल्थ ते सेफ्टी का ख्याल रखो, सिर्फ जिहड़े बहुत जरूरी काम है उन्हां वास्ते ही घरों बाहर निकलो। इत्थे ही क्वेश्चन खड़ा हुंदा है कि मेरा बाहर जाण दा सपना बिना घरों बाहर निकले किद्दां पूरा होएगा, तुहाडे सारे सपनियां नूं मुख रखदे ESS ग्लोबल लैके आया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लॉगिन करो ESSGlobal.com, ऑनलाइन काउंसलिंग घरे बैठे पूरे परिवार नाल हो, घरे बैठ के सितंबर 2020 इनटेक वास्ते हुणे लॉगिन करो ESSGlobal.com एंड अपनी काउंसलिंग दी ऑनलाइन काउंसलिंग दी अपॉइंटमेंट बुक करो।